जितने मर के बची है मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, मुझ पर अटैक करे मैं उनको बताऊंगा, डेली अरेस्ट करता हूँ और करता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे अंदर खून का एक भी कतरा है तो इनको मैं दहशतगर्दी के खिलाफ मैं ये जांच जारी रखूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। ये जो जुरत, जोश और बहादुरी से भरपूर आवाज़ आप सुन रहे थे, ये आवाज़ आज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। अहलियान कराची के लिए, अहलियान पाकिस्तान के लिए, कराची पुलिस के लिए, पाकिस्तान भर की पुलिस के लिए, और यहाँ तक के, चूँकि अभी आपने देखा अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनाब राहील शरीफ साहब ने भी इसकी मजम्मत की। एक बुरा दिन, एक बहुत बुरा दिन, उन दिनों में से एक दिन जिनके बारे में हम दुआ करते हैं कि काश ये दिन ना आते। ये तो सच है कि कोई भी इंडिविजुअल हो और उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, उसके जाने से या आने से काम रुका नहीं करते या शुरू नहीं हुआ करते। इदारों में बहरहाल इदारों को ही मजबूत होना चाहिए, लेकिन ये भी तो सच है कि बहरहाल कुछ अफराद होते हैं जिनकी सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, लोगों के मोरल को अप करने के, अप रखने के लिए और एक अच्छी मिसाल पेश करने के लिए उन लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है। और इसी अंदाज से उन लोगों का इस अंदाज से मारा जाना, शहीद कर दिया जाना, ये फोर्सेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए मुरैल में बहुत ज्यादा गिरावट का बायस बनती है। चौधरी असलम जो अपने रोब, अपने दबदबे, अपनी बहादुरी, अपनी जुर्रत, अपनी हिम्मत और दहशतगर्दों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, सै बार नहीं, बारहा खुला चैलेंज करने के हवाले से अपना कोई सानी नहीं रखते थे, इस हवाले से एक बेमिसाल शोहरत रखते थे, वो आज कराची की सड़कों पर मार दिए गए। ना जाने और कितने लोगों ने इस शहर में और इस मुल्क में रहने का ये खिराज पेश किया है। और आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे CCPO क्वेटा सिफत गयूर याद आते हैं, मुझे हंगू में एक और हीरो, एक और गुमनाम हीरो, वो जो तारीख राहों में मारे गए, इत्तेजाज हसन याद आता है, वो लड़का के जिसने एक हंगू के स्कूल में बम धमाका होने से बचाया, वो जुरत की एक अलग दास्तान, और ऐसी कितनी ही दास्तानें रकम हो रही हैं। और अब जाहिर है मायूसी कुफ्र है, गुनाह है, लेकिन आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड, मुझे नहीं मालूम कि इस सारी सूरत हाल को किन अल्फाज में रखा जाए। मैं ज्यादा ये कहकर मजीद कोई किसी का मोरल डाउन करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी अपने क्राइम रिपोर्टर्स से और फील्ड के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ये जिना अस्पताल में और दीगर जगहों पर जो पुलिस वाले खड़े थे वो बहुत ही मोरल डाउन था, वो सब कह रहे थे ये क्या हो रहा है, ये किक करके सब जा रहे हैं। कोई कह रहा था कि कराची पुलिस यतीम हो गई, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड, मुझे नहीं मालूम इस पर क्या कहा जाए। चौधरी असलम शहीद कर दिए गए, हम इस पर बात करेंगे। कराची ऑपरेशन भी जारी है, उसका क्या बना, वो कहाँ तक पहुंचा, कराची में तालिबानाइजेशन, सबसे पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने जब इसकी आवाज उठाई थी तब लोग कुछ हैरान थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, कुछ को लग रहा था पॉलिटिकल बात है, ये अब मामला कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है, यानी ये कोई वजीरिस्तान या स्वात का वाकया नहीं है कि लोगों की गर्दनें काट दी गई, ये कराची के गुलशन मेमार का वाकया है, ये स्वात की बात नहीं है जहां एक मेजर जनरल को शहीद कर दिया गया, ये कराची के लियारी एक्सप्रेसवे की बात है कि जहां पर जाते हुए चौधरी असलम साहब को इस अंदाज से मार दिया गया। इन तमाम तर मौजूदात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं दो बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही मोजज़ मेहमान, सीनियर साफी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपने रिपोर्ट किया है कराची की पॉलिटिक्स को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, हर चीज को बहुत करीब से देखा है, जनाब मज़हर अब्बास साहब से थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और अगेन हमारी जो दूसरी शख्सियत है उन्होंने भी इन तमाम तर चीजों को इंतहाई करीब से देखा और अभी भी देख रहे हैं, वेरी रेलिवेंट CPLC के साबिक सरबरा जनाब जमील यूसुफ साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर जरा तफसीली गुफ्तगू तो करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन जरा मुझे बताइएगा ये कैसा दिन है आज का कराची पुलिस के लिए, एहलियान कराची के लिए, जिस तरह मैंने कहा हम सारी फोर्सेस जहां हम उनके गलत कामों पर तनकीद करते हैं उनकी बहादुरी को उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो मैं नहीं कह रहा कि एक ही बंदे को सारा क्रेडिट दे दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों की सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है। अब एक ऐसा बंदा जो कि इतने डर और खौफ के माहौल में भी रोजाना टीवी पर आकर दहशतगर्दों को चैलेंज करता था, जब वो इस अंदाज से सड़क पे मार दिया जाए, क्या मैसेज जाता है? देखिए 92 से अब तक कराची में 4 ऑपरेशन हुए हैं और उन 4 ऑपरेशंस का ये अहम तरीन किरदार था। पुलिस ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन हुआ 92 में, फिर 94 में पुलिस ऑपरेशन हुआ, फिर 98 में गवर्नर राज लगा और एक अब जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें फोर फ्रंट पे था ये। और
ये अल्टीमेटली लगता था कि ऐसा होगा, क्योंकि जाहिर है जब आप इतने हाई प्रोफाइल हों, इतने वल्नरेबल हों, तो उसमें ये तो किसी भी दिन ये खबर आ सकती थी, जो खबर आ जा गई। लेकिन ये कि अपने किरदार की वजह से मुतनाज़ा भी रहे, बहुत से ऑपरेशंस में मुतनाज़ा भी रहे, लेकिन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। यानी ये जरूर था कि कभी CIA में थे, कभी CID में आ गए, फिर कभी इस तरफ, लेकिन कराची में रहे और कराची में ऑपरेशन कभी इररिलेवेंट नहीं हुए, इररिलेवेंट फोर्सेस में नहीं होते। जब भी जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें मेन कैरेक्टर रहा है चौधरी असलम का। जमील यूसुफ साहब, डिसअपॉइंटिंग? जी हाँ, बिकॉज ये तो अब चीजें हैं, यही तो चीज है, बता रही है कि ऑपरेशंस और मूवमेंट जो हो रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स के सक्सेसेस बेतहाशा हैं। अगर सक्सेसेस नहीं होते तो ये रिटेलिएशन की जरूरत ही नहीं होती। करेक्ट। और जब तक चौधरी असलम की बात है, उनका बड़ा स्पेसिफिक टारगेट होता था, कभी वो हेवायर रेड्स नहीं करते थे। उनकी इंफॉर्मेशन और डेटा गैदरिंग जो थी वो मैसिव थी, सक्सेस रेट कमाल का था। वो उनका हिट ही यही होता था। उन्होंने कभी कोई इनोसेंट को ला के कोई फायदा नहीं उठाया या कोई उनको वो नहीं किया, चाहे वो लियारी ऑपरेशन में थे या तालिबान थे। उनके लिए रूल ऑफ लॉ, मेरा ख्याल है सबके लिए वो एक ही नजर से वो देखते थे। ये बड़ी क्रेडिबल बात है। और सबसे बड़ा हिट यही है डिमोरलाइज करने को पुलिस ऑफिसर्स को, कि चुन के जो बहादुर लोग हैं जो शो कर रहे हैं, बट जो ट्रेजेडी उनके लाइफ में आई कि उनको एक कोर्ट ऑर्डर से सबको डिमोट भी किया गया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। आज देखिए उसी शख्स को जिसको आपने डिमोट किया, आज सब इस किलिंग को कंडोलेंस दे रहे हैं, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू एवरीबॉडी। और उसी ऑफिसर को हम डिमोट करें तो हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, कि हम प्रॉपर रिवॉर्ड्स और फास्ट ट्रैक सिस्टम और ब्रेवरी को हम देख ही नहीं रहे। और भी बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं। जो आज का वाकया है ये बहुत से सवाल छोड़ भी गया है। ये वाकया जिस तरह हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जवाब दिया। सुबह 3 दहशतगर्द मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, उसके बाद तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और जमील यूसुफ साहब ने जो बात उठाई, ये भी इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालिया कोर्ट ऑर्डर के नतीजे में कई अफसरान डिमोट हुए, चौधरी असलम साहब वाज वन ऑफ देम। मैं ये भी चाहूंगा ब्रेक के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। मेरी भी जब उनसे आखिरी टेलीफोन पर बात हुई, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं तो नहीं कहूंगा खौफ ज्यादा था, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। छोड़ देते बड़ी मुश्किल से उनको रिटेन किया। उन्होंने मुझसे भी कहा कि यार ये क्या है, मतलब हम लोगों ने, मतलब वो अपने अंदाज में कह रहे थे कि यार हमने इतना पंगा ले लिया, हम इतने फ्रंट लाइन पर आ गए जा भी नहीं सकते, और अभी इस अंदाज से हमें डिमोट कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी वापस हो रही है, तो हमने किसके लिए इतना बड़ा पंगा लिया था। और ये बात हम आज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। हमने आज से बहुत अरसे पहले अपने प्रोग्राम में इशू उठाया था, हम आपको उस प्रोग्राम की भी कुछ क्लिप्स दिखाएंगे जिसमें हमने ये इशू उठाया था कि खुदारा अगर सारे गधे घोड़ों को एक ही सफ में खड़ा करके उनको प्रमोशंस दे दी गई हैं तो गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन अगर आप एक कोर्ट ऑर्डर के जरिए उसको रिवर्स भी कर रहे हैं तो खुदा का वास्ता है सारे गधे घोड़ों को एक साथ तो डिमोट ना कर दें। जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, जो कि वो रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं, उनसे तो वो चीजें वापस ना लें। लेकिन ये हुआ। हम एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मर्द के बच्चे हैं, मैं इसी रोड पे घूमता हूं, मुझको अटैक करें, मैं उनको बताऊंगा, डेली अरेस्ट करता हूं और करता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर खून का एक भी कतरा है, तो इनको मैं दहशतगर्दी के खिलाफ मैं ये जांच जारी रखूंगा। हम आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आखान अस्पताल से मौजूद हैं चौधरी असलम साहब के बहुत करीबी साथी हैं। उनका बड़ा एक दोस्ताना ताल्लुकात रहा, रोजाना कई साथ उठना बैठना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सर्वर कमांडो साहब, इंस्पेक्टर सर्वर कमांडो साहब उनके साथ ही रहे। सर्वर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर्वर साहब ये अभी भी एक मतलब अभी तक लोग स्टेट ऑफ शॉक में हैं, ये मतलब ये यकीन करने को जी नहीं चाहता और यकीन आता नहीं है कि चौधरी असलम के नाम के आगे हम मरहूम लगाएं, मरहूम चौधरी असलम। लेकिन अभी आप नहीं, मरहूम नहीं चौधरी असलम तक बहुत बड़ा, मरहूम नहीं चौधरी असलम तक बहुत बड़ा एजाज हासिल कर गया, अपने नाम के आगे शहीद लगवा गया। बेशक बेशक, जरा हमें बताइए कुछ उनके बारे में, चूंकि आपका तो रोजाना उनका उनके साथ साथ रहा,
और फिर जब आपको ये वाकये की इत्तला मिली, आप जरा बताइए क्या कहेंगे? असलम का मेरा साथ 25 साल पुराना तकरीबन साथ था। हमने कैरियर का आगाज तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था और हमारी पहली पोस्टिंग जो थी मेरी असलम की CIA की थी पोस्टिंग। हमने काफी ऐसे CIA में काम किया, फिर उसके बाद हम एक साथ ही SHO लगे। SHO लगने के बाद फिर कराची में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन में हम हिस्सा लेते रहे और उसके बाद सजाएं भी हमें इकट्ठी मिलती रही। सजा के तौर पर हमें कभी सिंध फेंक दिया जाता था तो वो भी हमने साथ गुजारा, जेल भी हमने एक साथ काटी। तो असलम मेरे लिए बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह था। आज मैं अपने आप को यतीम महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल, बल्कि हमें बहुत ज्यादा मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। और सारे हमारे साथी एक एक करके शहीद हो गए और जिसमें असलम जो है वो भी हमारा एक बिल्कुल कीमती सरमाया था पुलिस का, बहादुर पुलिस ऑफिसर था। और हम सबका एक ही मकसद था हमारा असलम का, हम दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते रहेंगे चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए। और ये जंग जारी रहेगी। अगर असलम शहीद हो गया तो वो ये ना समझे क्या उनसे कोई लड़ने वाला नहीं है। हम असलम के मिशन को जारी रखेंगे और हमारा एक ही मिशन था दहशत गर्दी के खिलाफ जहाद। जो इस मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है और हम उससे लड़ेंगे। और इसमें जान जाना एजाज की बात है। असलम तो बहुत इज्जत की मौत गया है उसको, और उसको मारने वाले देखे जलील तरीन लोग हैं, बुजदिल बेगैरत पीछे से हमला करने वाले। और उनको जाहिर इस बात का अंदाजा तो होगा, तस्किरा करते थे जाहिर असलम साहब को थ्रेट्स हैं, इसमें तो कोई मतलब कोई अनहोनी बात ही नहीं थी। वो भी एक्सपेक्ट करते थे कि कभी भी इनके साथ ये हो जाएगा जो आज हो गया। बिल्कुल, हम लोग जब बैठते थे, मैं असलम वगैरह, हम लोग रात को अक्सर बैठते थे और हम जितने भी ऑपरेशनल पुलिस ऑफिसर थे नॉर्मली हम लोग जो है रात को 3-4 बजे से पहले नहीं सोते। तो हम इन बातों पर लेटर मुख्तलिफ एजेंसियों से गवर्नमेंट की तरफ से आते थे असलम को, मुझे। तो जब असलम का थ्रेट लेटर आता था वो लास्ट चंद महीनों से तो उसको बहुत सख्त थ्रेट थी। तो वो यही कहता था कि अगर जान जाएगी तो इस वतन के लिए जाएगी और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं इनसे जंग जो है जारी रखूंगा और जब तक मेरी सांस में सांस है इनसे लड़ता रहूंगा। तो बस आखिर में ये बताइए सरो भाई, चूंकि जाहिर है जहां पर पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, बहुत ज्यादा उनके दिल दुखे हुए हैं, बहुत ज्यादा बेयकीनी की कैफियत में है, वहां वो परेशान भी है कि खुदा ना खास्ता, यानी एक वक्ती तौर पर मोराल डाउन होना ये तो बड़ी फितरी बात है। जाहिर है कि इतना दबंग आदमी चला जाए आंखों के सामने तो बड़ी फितरी बात है, लेकिन हमारे आवाम के लिए बताइए आप कि वो ये खौफजदा तो ना हो कि हमारे फोर्सेस के लोग खुदा ना खास्ता इतने डिमोरलाइज हो गए हैं कि अब वो एक्शन में उस अंदाज से नजर नहीं आएंगे या खौफजदा हो गए। ऐसा तो कुछ नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग उसी अंदाज से अपने जज्बे जिंदा रखेंगे ताकि चौधरी असलम की रूह को भी सुकून पहुंचता रहे और उसी अंदाज से आप अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे इंशाल्लाह। असलम का करीब तरीन साथी मैं हूँ और मुझे जितना दुख है ऐसा लग रहा है कि मेरा बाप या बड़ा भाई चला गया है। लेकिन दुख है, लेकिन हौसले हमारे नहीं गिरे हैं। कराची पुलिस के हौसले कभी भी नहीं गिरे। हर दौर में मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दियां होती रही हैं और कराची पुलिस वाहिद पुलिस है जो भरपूर जवाब देती रही है। इंशाल्लाह यही कराची पुलिस इनको भरपूर जवाब देगी और इनको बताएगी कि कराची पुलिस कराची पुलिस है इंशाल्लाह। अब शुक्रिया सरवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे एक बार फिर इजहार ताज़ियत भी, बहुत नवाज़िश आपने वक्त निकाला। जमील यूसुफ साहब, ये साइड ऑफ द स्टोरी भी डिस्कस होनी चाहिए ना, यानी पुलिस का जब भी नाम आता है तो इसका मतलब ये होता है जनाब हम ये समझते हैं, या शायद हमारी भी थोड़ी गलती, हम भी तस्करा करते हैं, पुलिस का मतलब है करप्शन, वो ट्रैफिक सिग्नल को रोक लेंगे, 100-100 रुपए पकड़ लेंगे, ये वो। ये साइड ऑफ द स्टोरी तो डिस्कस होनी चाहिए कि जिसकी तनख्वाह 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, वो मेरे आपके लिए खड़ा है, कितने कम वसाइल में खड़ा है, रात की सर्दी में खड़ा है। रिसोर्सेज का भी तो बड़ा बहुत ज्यादा मसला है हर किसी को अपनी अपनी सतह पर, चाहे वो नाके पे खड़ा रहने वाला सिपाही हो या वो चौधरी असलम हो। सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस ही लास्ट ईयर आप देखिए, एक साल के अंदर तकरीबन 200 पुलिस ऑफिसर्स, 4 माह में 350 ऑपरेशन शुरू होने के बाद 340। तो फिर आप देखिए कि ये सैक्रिफाइस भी देते हैं और हर चैनल पर देखें तो टोटल टाइम क्रिटिसिज्म होता है। महीना नहीं गुजरा, ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ, क्या चीज, अगर ऑपरेशन का फायदा, मुझे समझ नहीं आता कि कोई मैजिक चीज तो है नहीं। आपके रिसोर्सेज क्या है, 650 पुलिसमैन टू अ सिटीजन, दुनिया का स्टैंडर्ड कहता है 275 से 300 होने चाहिए और यहाँ 650 अफराद पे एक पुलिस वाला है। ब्रेक आप नहीं दे सकते, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, हेलमेट्स आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। DSP बाबर मारा गया लास्ट वीक, उसके पास तो गार्ड भी नहीं था, अकेले अपनी गाड़ी में जा रहे थे। आप ये देखिए कि अपनी गाड़ियों को धक्का लगा रहे होते हैं बेचारे। अब आपने प्लेबैक किया, चौधरी असलम साहब कह रहे थे कि लास्ट ब्लड तक मैं सैक्रिफाइस करूंगा,
और यही टेररिस्ट के साथ पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं नेगोशिएशंस करिए। तो आप के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं चैनल्स पे, टॉक शोज में, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि टेररिस्ट क्या चाहते हैं, वो लोग को सुन के आप समझते हैं किसी का मॉरल हाई हो सकता है, फिर भी इनकी हिम्मत है कि ये लड़े जा रहे हैं। और आप देख लीजिए कितनी दफा मुहर्रम के पहले, चेलम के पहले, आशूरा के पहले इन्होंने सक्सेसफुल रेड्स किए हैं और रात में पकड़ा है जो सुबह होने वाला था। यस, तो सबसे ज्यादा सक्सेसेस इस फील्ड में कराची से हुए, जबकि आप टेररिज्म सिर्फ नेशनल लेवल पर लड़ सकते हैं, ये पुलिस स्टेशन लेवल का काम ही नहीं है। और ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये आई थिंक अगर को और बाहर के मुल्क में होते तो उनको हैट्स ऑफ होता कि जी उनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स मिलता, ना कि जैसे मैंने पहले कहा कि इनको डिमोशंस हम करके बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली यही रूट था मतानत अली खान, वेरी गुड, बहुत शरीफ ऑफिसर। चौधरी असलम साहब ने तो चलो इनको हिट किया, मतानत ने तो किसी को नहीं हिट किया। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, एफिशिएंट थे, ऑनेस्ट थे। उनको भी यही रोड पे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, टिल टुडे उनको अभी तक वो रिकवर फुल नहीं हुए, ना वो रिज्यूम कर सके इन ड्यूटी। दूसरे डीएसपीज हैं जो एसपीज एसएसपीज थे, उनको भी डिमोट किया हुआ है, वो तो नोटिफिकेशन से वापस थोड़ा बहुत उनको किया है वापस, बट वो भी दे आर आल्सो ऑन लाइमलाइट के उनको डीमोरलाइज करना है। मतलब इस मोरल को अप करने के लिए क्या करें, यानी कि मैं भी जब कराची पुलिस के आला तरीन अफसरान के साथ भी बैठा हूं तो उनको यही फिक्र होती है कि यार वो अगरचे वो खुद आला तरीन सतह पर होने की वजह से उनको प्रोटोकॉल वगैरह भी मिल रहा होता है, लेकिन उनको फिक्र होती है कि यार सड़क पे जो मेरा सिपाही खड़ा है वो रोजाना मार दिया जाता है, टीवी की टिकर की मार होती है 5 मिनट की, दो सिपाही जहां पर यार उसके घर का घर बार का ये वो, उनको फैसिलिटीज नहीं है, फिर एक अदालती ऑर्डर आ जाता है सारे के सारे डिमोट हो जाते हैं। मसलन असलम साहब के बारे में तो मैं जाती तौर पर जानता हूं कि इनसे पहले जितने अफसरान शहीद हुए वो अपने अपने तौर पे असलम साहब माहवार कुछ ना कुछ उनकी इमदाद भी कर दिया करते थे, लेकिन अब तो ये भी नहीं रहे। और ऐसे मौके पे एक कोर्ट ऑर्डर, चलो जी सबको डिमोट करो, हम कुछ तो ऐसा दें अपनी फोर्सेस को जिनका मोरल अप हो। मैं बैठ के तनकीद करता हूँ, जज साहब बैठ के डिमोशन करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, कोई तो इंसेंटिव दे। असल मसला ये है कि चले मैं और आप तनकीद करते हैं, लोग उनको बुरा भला कहते हैं, सबसे बदकिस्मती पुलिस वालों की ये होती है जब खुद उनकी उनकी हुकूमत और उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो उन फोर्सेस में उनको सबसे ज्यादा जो है कमतर फोर्स समझते हैं। यानी जब कोई स्पेशल फोर्स बनाने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि रिटायर्ड फौजी अफसरान को ले लो, पर पुलिस वालों की बस की बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा डिमोरलाइजेशन जो पुलिस में आती है वो खुद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की वजह से आती है। अब आपने तय कर लिया कि कराची में जी पैरामिलिट्री रेंजर्स रहेंगी, रेंजर्स डोमिनेट रहेंगी, रेंजर्स को पुलिस वाले इख्तियार दे दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पुलिस पे नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। यानी एक तरफ आप पुलिस वाले जिस तरह आपने कहा 350 लोग मारे गए हैं इस ऑपरेशन 5 सितंबर से, और दूसरी तरफ आप पुलिस को यह कह के रिडिक्यूल करते हैं कि जी रेंजर्स जो है उनको पुलिस वाले इख्तियार दे दिए गए। फिर भी इसमें एक उम्मीद की किरण है, यानी कि मैंने जाती तौर पर, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है लेकिन मेरी जाती इतला की बुनियाद पे इस वक्त फिर भी पुलिस और रेंजर्स के सरबरा में जितना आइडियल कोऑर्डिनेशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये ऐसा ही है, तो ये एक बेहतरी का साइन है, बहुत जरूरी है। मानदा साहब बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, मगर एक चीज जो जरूरी हो गई थी कि पुलिस को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया था कि उनको एक पैरामिलिट्री फोर्स लाना पड़ा ताकि वो पॉलिटिसाइजेशन ना सबसे हो, और कमांड पुलिस वही काम कर रही है और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है दोनों का। आप देखिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है, कोई एक दूसरे के ऊपर स्टेपिंग नहीं आई है, जहां भी ऑपरेशन किए जॉइंटली प्रॉब्लम एक पॉजिटिव रोल हुआ। बट जो मजहर साहब एम्फसाइज करना चाहे कि हमने इन्वेस्ट पुलिसिंग पर किया ही नहीं, पुलिस पे आप इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। पुलिस पे आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया, आपने जो चीजें तय की थी इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले, कमेटी बनाने की बात हुई थी, कमेटी को छोड़े स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनाए आपने, कोई आपने वो सिस्टम नहीं बनाया जो एक हफ्ते में आपने वाइंड अप कर दिया कि जी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चेक की जाएगी, एक्साइज वाले खड़े होंगे। तो आपने सिर्फ महज लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने क्लेम कर रहे हैं आप 10,000 पुलिस और रेंजर वाले हमें बैठ के शिकवे कर रहे होते हैं कि हमने इतने बंदे पकड़ लिए, ये फिर छूट जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर हमें हमारे बंदों को मारते हैं। आपके कोर्ट्स चालू नहीं हुए हैं तो वसीम साहब दे विल, जो मजहर साहब कह रहे हैं बड़ा सही है, दे विल बी रिलीज। अच्छा हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पे आ खान अस्पताल के बाद शाहनवाज शाह, अगर उनसे बात करें शाहनवाज शाह आप बताइएगा, ये एक तो इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से अब तक क्या आखिरी इत्तला क्या आई है, कोई ये कंफर्म हुआ है कि हादसा किस अंदाज से पेश आया
और ये किस तरह इतना आसान था दहशत गर्दों के लिए चौधरी असलम साहब के रूट का तायुन करना कि उन्होंने यहाँ पर इस वक्त गुजरना है, और जैसे ही वो गुजरे तो उन्होंने जिस भी अंदाज से उसको हिट कर दिया। शाहनवाज वसीम, बहुत अफसोसनाक वाकया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा एक बहुत बड़ा नाम चौधरी असलम का, कराची में अमन अमान के क्याम, जितने ऑपरेशंस हुए हैं जराइम पेशा अफराद दहशत गर्दों के खिलाफ, जब जब कराची में जो है वो जरूरत पड़ी है क्याम अमन के लिए, उसमें सबसे सरे फहरिस्त नाम चौधरी असलम का होता था, जो कि ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था और बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं, बड़े बड़े नाम उसके क्रेडिट में है जिनको गिरफ्तार किया है, इनकाउंटर्स में जो है वो हलाकतें हुई हैं, बहुत बड़ा नाम कराची पुलिस जिससे आज महरूम हो गई है। आज अभी हम मौजूद थे यहाँ पर आगा खान अस्पताल में, तो जो पुलिस अफसरान हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे से गले मिलकर जो अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जो रंजो गम का इजहार कर रहे हैं, बहुत डीमोरलाइज हमने देखा है कि लोग यहाँ पर जो है उनका जो हौसले हैं वो हमने देखा है कि वो अब ये कह रहे हैं कि इस तरह की हमने बातें सुनी है कि कराची पुलिस जो है वो यतीम हो गई है, उसमें उनके सर पे से जो है वो एक हाथ था जो हट गया है, मतलब इस तरह की बातें लोगों में अगर हम देखेंगे तो उससे इनके हौसले, तो क्योंकि जो हालिया अगर चीजें देखें उसमें इनकी प्रमोशंस के हवाले से जो हुआ उसमें चौधरी असलम साहब खुद उसमें काफी जो है वो उनके जो एक हौसला होता था वो हम देखते थे कि उसमें वो परेशान थे कि इस तरह की अगर हमने काम किए अपनी जिंदगी अपने बच्चों की अपनी फैमिली की खानदान की हमने जो है वो जाने खतरे में डालकर इस मुल्क की इतनी खिदमत की शहर की खिदमत की, अगर उसके नतीजे में हमें सिर्फ क्या मिलता है, सिर्फ प्रमोशन, वो भी अगर हमसे वापस ली जाएगी तो ये कहां जाएंगे। अब सीनियर्स को देख के उनका जो मोराल है वो देख के वो फॉलो करता है जो इनके नीचे लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं लोग, अब वो जो इंस्पेक्टर था वो सिपाही है, जो सब इंस्पेक्टर था वो हेड कांस्टेबल सिपाही है, तो अब इनके खिलाफ दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो काम कौन करेगा, इनके खिलाफ कार्रवाइयां कौन करेगा, इनसे मुकाबले कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी तक की जो ताजा तरीन जो सिचुएशन सामने आ रही है, यहाँ पर जो जख्मी जो उनके कॉन्वाय में थे उनका भी यही कहना है जो उन्होंने बयान दिया है कि जब उनका कॉन्वाय निकला है, जैसे ही वो जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे पर चढ़े हैं पुरानी सब्जी मंडी ईसा नगरी के साथ जो है वो उनका रूट है, वहां से वैसे तो वो रास्ते तब्दील करते थे मगर अक्सर वो बेशतर क्योंकि ट्रैफिक से बचने के लिए और जल्दी पहुंचने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता था, जैसे ही वो चढ़े हैं उसके बाद उन्होंने देखा है कि उसने कहा कि एक गाड़ी जिसमें वो सफर कर रहे थे उसके साथ इनके पीछे मोबाइल थी, मोबाइलें भी इनके पास ज्यादा नहीं थी कोई, जिस तरह होना चाहिए स्कॉट जितना बड़ा नाम इतनी दहशतगर्दी के हवाले से इतना काम और रूटीन में तकरीबन जो है वो रोज रोज हम सुनते थे कि उसको आज जो है वो सासेदारों की जानिब से पाबंद किया गया है कि अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करें, आपको जान से की धमकी आप पर हमला हो सकता है, सिर्फ दो मोबाइल है उसके साथ चलती थी, वो भी जो बम प्रूफ गाड़ी है गुज़िश्ता 15 दिन से जो है वो असलम साहब के साथ नहीं थी, कहां है गाड़ी, कोई खराब नहीं है गाड़ी, अब गाड़ी के हवाले से तहकीकात की जाए कि गाड़ी किसने ली, किस वजह से उनसे वापस ली गई, गुज़िश्ता 15 दिन से वो बगैर बम प्रूफ गाड़ी के इतना बड़ा आदमी जो अब तक की तहकीकात के मुताबिक सुसाइड अटैक इसको कहा जा रहा है या प्लांटेड है, इसमें अभी भी है, इट इज येट टू बी डिसाइडेड। अभी तक वसीम जो सिचुएशन है, जैसे ही इनकी गाड़ी निकली है उसको बकायदा ये रैकी है, ये कोई एक दिन का दो दिन का काम नहीं है, ये प्रॉपर काफी अरसे से रैकी है, और उनको ये भी पता था कि आजकल इसके पास गाड़ी नहीं है, ये जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहा है, बम प्रूफ गाड़ी नहीं है इसके पास, इन दिनों में इसको टारगेट करना आसान है, काफी अरसे से इसको रैकी किया जा रहा था। जो जख्मी है उसने बताया, जो इनका गनमैन गार्ड जो साथ में, उसने कहा जब हम निकले उसके बाद इनकी गाड़ी आगे थी, पीछे मोबाइल से उसको बैकअप दिया है, उसने कहा कि एक गाड़ी सफेद सुजुकी वो उनके साथ थी, और वो बिल्कुल जैसे ही करीब आई है उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, और उसके बाद धुआं आग बदबू, और उसके बाद बिल्कुल उसने कहा कि हम अपने होशो आवास में नहीं थे मगर बहुत ही जोरदार धमाका था। तो अब इसमें ज्यादा अंदाजा होगा कि इसमें क्या है। ठीक है, ठीक है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ साहब भी हमारे साथ होंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नाजरीन को ये हम जिस तरह जो कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि जनाब अदालती एक हुक्म के नतीजे में कि जनाब जिन जिन अफसरान को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई है उन सबको वापस अपने ओहदों पर वापस बहाल किया जाए। अब काफी चीजें होती है जिनको शायद हो सकता है, मैं कोई टेक्निकल या लॉयर तो हूं नहीं, ऑन पेपर शायद वो हुक्म ठीक हो
लेकिन मेरा ख्याल है कि फैसले किए जाने चाहिए ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखकर भी। उसके नतीजे में यह हुआ कि चौधरी असलम समेत कई ऐसे अफसरान जो कि आला ओहदों पर आने की वजह से बिल्कुल एक्सपोज हो गए थे, फ्रंट लाइन पर आ गए थे, दहशतगर्दों को चैलेंज करते थे, उनके भी जब ओहदे वापस हुए तो एक तो वो डिमोरलाइज हुए और उसके बाद उन ओहदों की वापसी की वजह से सिक्योरिटीज भी कम हुई। मैं चाहता हूं मुख्तसरन एक दिखा दूं, हमने इस हवाले से काफी अरसे पहले अपने प्रोग्राम में बात की थी, नॉट दैट कि आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज ये वाकया हो गया। मैं उसका कुछ आपको अक्स दिखाना चाहता हूं, फिर अपने मेहमानों से इस पर भी मैं राय लूंगा। हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासतदान मेहमान, हमने यही मौजू उठाया था कि इतने खराब हालात में फिर इन सीनियर तरीन पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी का क्या होगा, और वो ही हुआ। जरा देखिए बात करेंगे कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनका क्या सेंटिमेंट है, वो क्यों इतने बड़े पैमाने पर फेल नजर आती हैं व्हेन इट कम्स टू कराची। लेकिन क्या तस्वीर का कोई और रुख भी है या नहीं, उनके भी तो कोई मसले मसायल होंगे, वो क्या है अगर है तो, ये क्यों नहीं संभल रहा शहर उनसे, क्या मसला है, क्या कहते हैं वो पुलिस वाले और पुलिस अफसरान अपने महकमे से और इस शहर से कितने ज्यादा सिंसियर है, इस बात का अंदाजा आपको इस बात से होगा कि ईद के दूसरे रोज जहां मुख्तलिफ शहरियों को टारगेट किलिंग में शहीद किया गया, वहीं एक पुलिस एहलकार को नाजाबाद के इलाके में शहीद किया गया और ईद के तीसरे रोज उसकी नमाज़े जनाज़ा अदा की गई जिस पुलिस अहलकार की बहुत ज्यादा कुर्बानियां थी, उसकी नमाज़े जनाज़ा में ईद के तीसरे रोज कोई पुलिस अफसर शरीक नहीं हुआ, ना ही किसी अफसर ने इतनी जहमत की कि वह अपने ईद के दूसरे रोज शहीद होने वाले अहलकार की नमाज़े जनाज़ा जो है सरकारी एजाज के साथ की जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जितने बड़े अफरीद का जो हमें सामना है, आपके तज्जिए के मुताबिक सिंध पुलिस में इससे निपटने की सलाहियत है या नहीं है? जो सिंध की सूरत हाल है वो इंतहाई तकरीब है, वहां पर तो दहशतगर्दों ने कोटा पुलिस की कमर तोड़ी, यहां पर एक नोटिफिकेशन में तोड़ दी, कराची और सिंध पुलिस को दो बड़े वादे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और हमारे पास एक पुलिस अफसर ऐसे है कि जो अपनी जानों पर खेल कर इस सूबे को और खासतौर पर कराची को दहशतगर्दों की जद से महफूज रखे हुए थे, उसमें चाहे खुर्रम बारिश हो, राजा उमर खत्ताब हो, चौधरी असलम हो, फयाज खान हो, फारूक अमान हो, नजर मछवानी हो, तमाम वो ऑफिसर्स थे कि जिनके घरों पर हमले हुए, पूरे पूरे घर उनके बम धमाके से उड़ा दिए गए, किसी के हाथ में तीन उंगलियां नहीं है, किसी की गाड़ी में बम धमाका हुआ, किसी के बच्चों को बम से उड़ाने की कोशिश की गई, इन्होंने जानों पर खेल कर कुर्बानियां दी के बगैर हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारे देश एक दार था, एक दीवार थी, एक मजबूत दीवार थी जो दहशतगर्दों और अफगान के दरमियान हद फासले थी, वो दीवार करीब गिर गई है। तो पुलिस और सर्विसेज छोड़ो, हम तो अपनी जान बचाने के पीछे पड़े हुए हैं, ये वाकई ऐसा ही इतनी इस हद तक डिमोरलाइज है पुलिस फोर्स सिंध में? सब पुलिस एहलकार जिन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ा था उनको अब जेलों से और इस ऑर्डर के बाद उनको रिवर्ट होने के बाद बाकायदा कालेदम जमातों के मैसेजेस मौसूल हुए जिनमें चौधरी असलम, फारूक अहमान, फयाज खान वगैरह शामिल है, उनको ये कहा गया है कि अब तुमको मुबारक हो, तुम्हारे ओहदे चले गए, अब आगे आगे देखो महकमा पुलिस में तुम्हारे साथ होता है क्या और फिर देखो हम क्या करते हैं। मैं समझती हूँ अगर हमने 2013 और आपने सुना उसको कामिल आरिफ बता रहे थे कि ये बैंड आउटफिट्स के लोग उनको ये मैसेज भेज रहे थे कि मुबारक हो, अब तो तुमसे तुम्हारी सिक्योरिटी भी वापस हो गई, अब देखो हम किस तरह निमटते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये जितने डिमोशन हुए थे एक पैकेज के तौर पर हुए, पुलिस चीफ को नहीं बुलाया गया कि भाई या तो अलग आप बताएं कि कौन डिजर्व करता था, कौन नहीं करता था, कौन नहीं डिजर्व करता था। काफी पुलिस ऑफिसर्स ऑनेस्ट हैं एट दैट लेवल, आईजी यदि वो आगे बताते, डीआईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो आए हुए थे यहाँ पे स्पेशल ब्रांच में और अपने करियर पाथ बनाया था 16 साल का, उनको भी हटा दिया गया। हमारे साथ थे डैनियल पॉल केस के अंदर, उनको भी हटा दिया और अभी तक उनका केस डिसाइड नहीं हो पा रहा, ना उनको कभी हियर किया कि भाई क्या है उनकी क्वालिफिकेशंस, क्वालिफाइड है नहीं है, परफॉर्मेंस क्या है उनका, एसीआर क्या बोल रहा है, एक्सलेंट ऑफिसर्स। तो आई मीन यू नो ये वाहिद इदारा है जिसमें सब टिंकर करते हैं, पॉलिटिशियन भी करता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करता बस है, ब्यूरोक्रेसी भी करती है, जुडिशरी भी करती है और इनके ये बिल्कुल जैसे यतीमों की तरह, शटल कॉक्स की तरह दे आर बिग ट्री। मुकाबला है हमारा इतने बड़े बड़े दहशतगर्दों से और हाल ये सिदारे का, तो फिर हम देखिए तो जितना कर रहे हैं वही बड़ी बात है फिर तो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ऑर्डिनरी मेजर्स ले रहे हैं, करेक्ट, उसमें इसी वजह से आप नाकाम हो रहे हैं। सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मेजर्स ऑर्डिनरी है। देखे कराची में बेशुमार पुलिस वाले जो मारे गए हैं वो ट्रैफिक जैम का शिकार हुए हैं,
बेशुमार लोग इतना कराची में, अगर आपने ऑपरेशन करना है कराची में दहशतगर्द, आपको कराची का ट्रैफिक फ्लो बहाल करना पड़ेगा। ये भी आप ये देखें, ये रूट क्या प्रेडिक्टेबल है कि जनाब इतने बजे यहां ट्रैफिक जाम होता है, ये रूट क्यों प्रेडिक्टेबल हो गया? ट्रैफिक जाम था जी, वो लहरी एक्सप्रेस वे लेते थे। चौधरी असलम जो है उनको मशवरा दिया गया था कि आप जब तक बम प्रूफ नहीं, आप एपीसी में ट्रैवल किया करें। एपीसी में ये जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, उस गाड़ी के सिर्फ जो पिछला हिस्सा था वो बुलेट प्रूफ था, आगे जहां ड्राइवर बैठता है और आगे वाली सीट है वो बुलेट प्रूफ नहीं था। इसी वजह से ड्राइवर जो मारा गया उसकी शनाख्त भी नहीं हो पाई। ऐसी सिचुएशन में आप कल रात एक ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद एक ऐसी गाड़ी में आप जा रहे हैं जो वल्नरेबल है, उसमें एक ऐसे रूट से जा रहे हैं आप जो वल्नरेबल है, उनको पता था कि आप ज्यादातर इस टाइमिंग्स में जहां ट्रैफिक जाम होता है आप ये रूट इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले कोई गाड़ी क्यों नहीं गई, उसने क्यों नहीं ये सर्च किया कि रास्ते में कोई चीज है या नहीं है, जो आमतौर पे आप वीवीआईपीस के लिए करते हैं कि कोई गाड़ी अगर जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है कि 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट से कोई गाड़ी 50 मिनट कहा जा रहा है कि वो गाड़ी तो कैसे क्या कोई लहरी एक्सप्रेस वे जिसके दोनों तरफ मतलब बैरियर्स हैं राइट एट द कॉर्नर, मतलब उसके बाद कोई एस्केप रूट भी नहीं है उनके लिए। अगर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हमारे पास आखिरी 5-6 मिनट होंगे, हम उसमें कंक्लूड करेंगे इसको, अपने नुमाइंदे कामिल आरिफ से ही बात करेंगे, अपने मेहमानों से भी जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। एक छोटा सा ब्रेक और चौधरी असलम के हवाले से और इस सारी सूरत हाल में मैं ये भी पूछूंगा जमील यूसुफ साहब से, क्या बहुत ही नामुमकिन बात है या कि बहुत ही महंगी और तजवीज होगी कि जब कम से कम इस तर्ज के अफसरान चौधरी असलम जैसे जिनको इतना वाजे थ्रेट है उनके पास बम प्रूफ गाड़ियां हों, ये कोई बहुत ही क्या इम्पैक्ट है या कोई तो हल निकालना पड़ेगा इस मसले का। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आखिरी से मैं खुश आमदेद कहता हूँ, हमारे साथ कामिल आरिफ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर कामिल साहब। ये इस पर तो बाकायदा एक मतलब एक और प्रोग्राम बनता है जो कि हम करेंगे भी, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा सिर्फ शॉर्टली इस वक्त कि आप खुद भी आखिर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, क्या ये बात भी ठीक है, क्योंकि अभी ज़ाहिर है असलम साहब की शहादत के बाद ये मौजू बड़ा जेर बहस है बम प्रूफ गाड़ियों का ही, और आज आप देख भी रहोगे कि जब अस्पताल में मुख्तलिफ सियासतदान माशाल्लाह आ रहे थे ताजियत के लिए तो वो बम प्रूफ गाड़ियों से उतर रहे थे, चौधरी असलम जिसने रोजाना इनके गढ़ में जाना होता तो उनके पास नहीं थी। ये सियासतदानों, ये पुलिस वालों के लिए जो बजट्स अप्रूव होते हैं उसमें से माशाल्लाह ये सियासतदान हजरात अपनी बम प्रूफ गाड़ियां उसमें भी खरीद लेते हैं, पुलिस वालों के बजट जो अप्रूव होते हैं उससे, ये बात ठीक है कामिल साहब? इस पे तफसीलन तो हम करेंगे प्रोग्राम बाद में। वसीम साहब, इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, असलम साहब के ऊपर तो हम जितनी मजम्मत करें और जितना हम उनको डिस्कस करें वो कम होगा और वक्त भी कम है, लेकिन बिल्कुल इसमें हकीकत है कि सिंध पुलिस में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां खरीदी गई जो कि जिसमें करप्शन की बहुत ज्यादा मिसाल मिलती है, ऐसी गाड़ियां खरीदी गई जिनका पुलिस से ताल्लुक ही नहीं था, सिर्फ पुलिस ने अपने अफसरान ने या तो सियासतदानों को खुश करने के लिए वो गाड़ियां खरीदी या अपनी करप्शन के लिए वो गाड़ियां खरीदी, और जो हालिया ऑपरेशन है उसमें करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए, लेकिन SPCID चौधरी असलम समेत दीगर जो हाई प्रोफाइल केसेस पे काम करने वाले पुलिस अफसरान है उनको बम प्रूफ गाड़ियां लेकर नहीं दी। और वसीम, यहां सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिस को हम आज खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिस पुलिस अफसर को, उसके लिए जिस महकमे का सरबरा IG एडिशनल IG समेत तमाम DIG जिन्होंने हम ये कह सकते हैं कि हर टाइम पे सिर्फ पुलिस को काम करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया, आज उसकी शहादत के ऊपर भी देखने में आ रहा है कि वो उनके ना अस्पताल पहुंचे और IG से ऐसे आए जैसे कोई हवा का झोंका आता है, आए और उन्होंने डेड बॉडी के पास उनको देखा भी नहीं और फौरन चले गए, और अभी तक कोई पुलिस का ऐसा ऑफिसर मुझे दिखता नहीं कि जो DIG लेवल का हो, या सिर्फ वो अफसरान जो उनके साथ चौधरी असलम साहब के साथ खुद अटैच थे या उनके साथ काम करते थे या उनके साथ पुरानी वाबस्तगी थी वही मौजूद है। पुलिस का ये अफसर हालत है कि इलाके का DIG, पुलिस का सरबरा, IG जिसके लिए आप और हम सब इतने उसको बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, उनके पास इतनी भी मोहलत नहीं, इतना भी उन्होंने अच्छा महसूस नहीं किया कि वो उनके घर पे चले मेरी साइड। और कामिल, इस पर हम आप करेंगे बाकायदा पूरा प्रोग्राम कि ये क्या मामला है, पुलिस वालों के बजट से सियासतदान अपनी बम प्रूफ गाड़ियां खरीद लेते हैं। कंक्लूजन रिमार्क के लिए मैं आ रहा हूँ जमीन यूसुफ साहब, टेररिज्म हम कहते हैं सबसे बड़ी बला है निपटने के लिए जिससे हमें निपटना है, कोई काउंटर टेररिज्म का इदारा है हमारे पास, कोई पॉलिसी है काउंटर टेररिज्म पॉलिसी? नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी तो आपके पिछले 8-10 साल से बन रही है, बनी नहीं अब तक, अब बनती ही इदारा ही नहीं है कोई, इतना डिले करे जा रहे हैं। और देखिए मेरी बात सुने, ये पुलिस ऑफिसर दुनिया में सब पकड़ते हैं टेररिस्ट, इतना एक्सपोजर नहीं होता बिकॉज उनकी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी होती है, वो उठाती है, वो आइडेंटिफाइड नहीं होती है। देखिए ना, आर्मी इंटेलिजेंस भी है ना,
वो चलते हैं और खुफिया नामों पर चलते हैं, वो कभी एक्सपोज नहीं होते हैं, स्पाइस को पकड़ते हैं, पब्लिक ओपिनियन में नहीं आते, सामने नहीं आते। हमारे यहाँ हम लोकल लेवल पर लड़ रहे हैं और इनको एक्सपोज किए जा रहे हैं। टाइम आ गया कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमें बहुत बहुत सफर करना पड़ेगा एक इस चीज से और एक डेथ सेंटेंसेस जो मिले हुए हैं। यही आखिरी कमेंट इसमें कीजिए, हम सबको तनकीद का निशाना बनाते हैं, अदालत भी कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है ना, जुडिशरी टू बी ब्लेम्ड और नॉट। अंदर जाते हैं दोबारा बाहर आ जाते हैं, फिर लोगों को मारते हैं, मतलब अदालत कहती है जी प्रोसिक्यूशन कमजोर था, हम क्या करेंगे, छोड़ दिया। और जब उससे बाहर जाते हैं तो अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की रिक्वेस्ट करते हैं, बम प्रूफ गाड़ी। उसके बाद अपने ओहदे से रिटायर होते हैं, मुझे बुलेट प्रूफ दे दो। असल चीज ये है कि इस तरह की सिचुएशन में आप लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट नहीं करते कि मैं एक हफ्ते बाद ऑपरेशन शुरू कर रहा हूँ, जो जो जहाँ जहाँ जाना चाहता है चला जाए। हमारे यहाँ हमेशा ऑपरेशन इसी तरह शुरू होता है कि हम बरमला ऐलान करते हैं और उसके बाद जाहिर है लोग इधर उधर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि क्राइम सिचुएशन अंडर कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी नोट पे काम करूंगा, मामला तो ऐसा है और जो रात कब्र में आनी है वो तो रात आनी ही है कब्र में। चौधरी असलम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कराची पुलिस का और कराची शहरी पहचाना मुझे।